हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनआईएस क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट जिसका कोड 301 है। इस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेबस का पता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेबस का नहीं पता है। तो पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं जो है इसी वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी देने वाली हूँ, ठीक है। पाठ्यक्रम का 40%, ठीक है, जैसे कि जिसे आप लोग TMA बोलते हो, ठीक है ना। TMA वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं आने वाले। अब जो है क्वेश्चन पेपर कहाँ से बन के आएगा इसके ऊपर भी जो है आपका डाउट रहेगा, ठीक है। सार्वजनिक परीक्षा, ठीक है, पाठ्यक्रम का 60%, 60% जो है आपके मतलब सिलेबस से क्वेश्चन आंसर्स जो है बनने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 16, टोटल लेसन जो है आपके 16 है, ठीक है। चैप्टर 2 भी आएगा, 3, 5, 7, 8, 9, 10, इन्हीं चैप्टर्स पे आपको जो है फोकस करना है, यहीं से जो है आपके क्वेश्चन आंसर्स बन करके आने वाले हैं, ठीक है। इसी वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी जिससे कि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम में, ठीक है। चैप्टर 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, इन्हीं चैप्टर्स में से आपके जो है क्वेश्चन पेपर बन के आने वाले। ये TMA वाले जो चैप्टर्स है आपके बिल्कुल नहीं आएंगे, इसलिए आपको इसे पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। नहीं तो आपके टाइम वेस्ट के अलावा अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होने वाला है। अब जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, उद्देश्य के अनुसार अंक भी भाजन, ठीक है, ज्ञान के ऊपर, मतलब जो आप बुक्स वगैरह स्टडी करते हो, ठीक है, आपने पढ़ा है कितना उसके बेस के ऊपर जो है आपका 20% जो है आपका क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। और बोध के ऊपर जो है 45% रहेगा, ठीक है। अनुप्रयोग अभिव्यक्ति यानी कि 35% इसका रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है इसके इस तरीके से रहेंगे। टोटल पेपर जो है आपका वो 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 33% आपको लाने हैं तब जाकर के आप अपने थ्योरी के पेपर में पास हो जाते हो। प्रश्नों के प्रकार के अनुसार अंक विभाजन, ठीक है। विषय 1 अंक वाले जो क्वेश्चन है आपके टोटल मिला के 20 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। 3 अंक वाले जो है आपके मैक्सिमम आपके 3 क्वेश्चंस यानी कि 2 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। 6 मार्क्स का आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जा रहा है। 7 अंक वाले जो क्वेश्चन है वो भी 2 रहेंगे। 10 अंक वाले जैसे कि हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 4 अंक के रहेंगे, 4 क्वेश्चन है 1 मार्क करके इस टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद 5 अंक वाले रहेंगे 2 क्वेश्चन, 6 अंक वाले रहने वाले हैं 4 क्वेश्चन, 8 अंक वाले रहेंगे 1 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल जो है आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर रहेगा, ठीक है ना। अब किस तरीके से आपके मतलब क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल किस तरीके से रहेगा, विषय के अनुसार अंक विभाजन, ठीक है। कठिन पठन 30 अंक के रहेंगे, ठीक है। गद्य पठन रहेंगे 35 मार्क्स के आपके रहेंगे। व्याकरण जो है 10 मार्क्स का रहेगा। लेखन कौशल्य जो है आपका 25 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है। चलिए आइए अब जो है हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ेंगे। अब जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे अभी नए हो तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अनदर सब्जेक्ट्स के नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूँगी, प्लस चैप्टर वाइज नोट्स भी हमारे वीडियो में आने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे प्रश्न नंबर 1, हिंदी देवनागरी में टाइप करने के लिए का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे क ख ग घ ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो आपको देना है। जैसे कि यहाँ पे घ जो है आपको आंसर राइट है, ये आपको टिक मार्क करना रहता है, इस टाइप का रहता है, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ आंसर उतारना। अब क्वेश्चन पेपर पे आप लोग लिखोगे कैसे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन भी लिख रहे हैं आंसर भी लिख रहे हैं, इससे क्या है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, अदरवाइज कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे है, अब क्वेश्चन नंबर 1 आप दे दिए, ठीक है।
देन उसके बाद आंसर लिखना है। अब सिर्फ ये नहीं कि घ आंसर दिया है तो आपको सिर्फ घ लिख करके आप आ गए तो आप सोचोगे कि चलो हो गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फोनेटिक टूल्स लिखा है, ठीक है, घ दे करके उसके बाद ये आंसर आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, ठीक है। और जिस सेक्शन का आप लिखोगे उस सेक्शन का जो है आप ऊपर में सेक्शन लिख देना, ठीक है। उसके बाद जो है आंसर्स और क्वेश्चंस लिखना है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो अथवा, जहाँ पे भी अथवा लिखा है यानी कि ये ऑप्शनल आपको दे दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। दो क्वेश्चन है, या तो आप वन कर लो या टू कर लो, दोनों में से जो आ रहा है वो नंबर दे करके आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते, दोनों नहीं लिखना है। ये सोचोगे कि हम लोग दोनों लिख देते हैं मार्क्स अच्छे आएंगे, तो ऐसा नहीं है। दो ऑप्शन दिए जाते हैं, जो आपको आ रहा है वही आपको सिर्फ लिखना है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं दे रही हूँ ये सभी जो है वन मार्क के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्योंकि आगे जैसे था आप लोगों का सब्जेक्टिव ज़्यादा आते थे क्वेश्चन, ठीक है ना, अब जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा कर दिए गए ताकि काफ़ी बच्चे जो है अच्छे तरीके से पास हो पाएँ। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो भी स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम अप्रैल 2024 या फिर अक्टूबर 2024 सेशन में देने वाले हैं, या आगे भी जो स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम देंगे, ये नोट्स उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो फटाफट से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाया करो, अच्छे तरीके से लिख लिख करके जब आप लोग याद करते हो ना तो क्या है, वो चीज़ें आपके माइंडसेट में अच्छे तरीके से बैठ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन आंसर्स की ओर, ठीक है। चलिए आइए, कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, सिर्फ आपको आंसर ही जो है लिखना है, ठीक है। चलिए आइए, अनदर सब्जेक्ट्स भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्लास सब्जेक्ट नेम और मीडियम हमें शेयर कर सकते हो। उसके ऊपर भी जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। और सॉरी फॉर डिले, हिंदी सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं आप लोगों को थोड़े लेट मिल रहे हैं क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ इशू थी, इस वजह से मैं जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे अभी नए हो ना तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, नोट्स हैं, प्रैक्टिकल है, TMA, ये सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे हमेशा डालती रहती हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके की प्रिपरेशन करके एक अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाओ, ठीक है। एंड अदर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने मतलब ये सब्जेक्ट ले रखा है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना ताकि वो भी बच्चे जो है हमारी वीडियो से हेल्प ले करके अपनी स्टडी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करके मार्क्स अच्छे ले करके आ पाएँ। और थोड़ा जो साउंड इशू है हमारे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, तो बैकग्राउंड का जो भी साउंड है उस पर थोड़ा आप लोग फोकस नहीं करना, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को जितने के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मैंने मेंशन इसलिए कर दिए ताकि आप लोग जो है एक अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। इतना ही आप लोग अगर पढ़ के जाते हो तो आप आराम से मतलब 80-90 आराम से मार्क्स लेकर के आ सकते हो अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो, ठीक है। और अदर कोई भी स्टूडेंट है तो उसके साथ ज़रूर से शेयर कर दिया करो। और सिलेबस की जो PDF है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस की जो PDF रहती है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है कर सकते हो। अब अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बुक्स मिल गई लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको गाइडेंस नहीं मिल पा रही, ठीक है। और बहुत बच्चे ऐसे हैं कि मतलब समझ ही में नहीं आ रहा है स्टार्टिंग कैसे करनी है, जिसकी वजह से वो लोग स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि नहीं, NIS बोर्ड में आए हैं तो बहुत इजी बोर्ड है, आराम से पास हो जाएंगे। कोई भी बोर्ड इतना इजी नहीं होता है कि आप एक रात में पढ़ कर के जाओगे और एक अच्छा स्कोर करके आ जाओगे, ठीक है ना। तो मेहनत बिना किए कोई भी चीज़ आपको मिलने वाली नहीं है, ठीक है। और जिनके पास बुक्स नहीं आए तो वो स्टूडेंट्स तो ये ज़रूर से वीडियो देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। जिनके पास बुक्स मिली ही नहीं किसी ना किसी रीज़न की वजह से और स्टडी भी वो लोग नहीं कर पाए और इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलती नहीं सही ढंग से, जिसकी वजह से आप लोग प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो,
ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो है ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ। और अगर आप लोग चाहते हो कि हमें YouTube चैनल से वीडियो देख करके नहीं बनानी, तो आप फीस को पे करके आप इस दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे चैनल का नंबर है, और आप इस PDF को लेकर के अपनी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि मैम YouTube चैनल से बहुत टाइम लगता है हमें नोट्स बनाने में, तो हमें PDF चाहिए। तो आप अगर PDF चाहते हो तो आप नॉमिनल जो फीस होती है आप पे करके ले सकते हो और एक अच्छे तरीके की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने MCQs के जो क्वेश्चंस हैं कवर अप कर दिए हैं जिससे कि आप लोग जो है एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो छोड़ के नहीं आओगे आप लोग। ठीक है, सही या गलत, अब यहाँ पे जैसे कि प्रश्न नंबर 1, प्रारूप को अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक नहीं होता, सही है या गलत? तो इसका आंसर जो है गलत है। ठीक है, जो सही होगा वहाँ पे सही लिखना है, जहाँ गलत होगा वहाँ पे गलत लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी जो है आपके काफ़ी आने वाले हैं, जो जो आते हैं वो एग्ज़ाम में मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ क्वेश्चंस में, ताकि आप लोग तो अच्छे तरीके की प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, मिलान कीजिए, यानी कि जिसे आप लोग बोलते हो ना मैच दी फॉलोइंग। अब देखो मैच दी फॉलोइंग में आप लोगों को क्या करना है, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन उतारने हैं, तभी जा करके आप इसको जो है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क नंबर, क का आंसर जो है 2 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दिनकर, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एरो दे देना है ताकि टीचर को समझ में आए। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसे भी नोट डाउन कर लो, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन अगर आएंगे आप लोगों के तो आप लोग एक अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न उत्तर, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं इसमें, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, किस तरीके से आएंगे वो भी आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लोगे। दूसरी बात, आप लोगों को डाउट ये रहता है मैम हम एग्ज़ाम में किस कौन से पेन लेकर के जाएंगे, कौन से कलर के होने चाहिए। ब्लू पेन हो गया आपका जो है आंसर लिखने के लिए, आप लोग ब्लू पेन लेकर के जाओगे। ठीक है ना, और ब्लैक पेन जो है आप लोग लेकर के जाओगे, जैसे कि कोई भी चीज़ आपको हाईलाइट करने की नीड पड़ी। ठीक है, हाईलाइट करने से क्या है, टीचर्स ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है, अगर हाईलाइट करके लिखोगे थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ठीक है, टीचर को समझने में आसानी होगी, तो ब्लैक पेन इसलिए आपको यूज़ करना है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि जेल पेन लेकर के चले जाते हैं, जेल पेन तो गलती से भी लेकर के नहीं जाना। ठीक है, नहीं तो टीचर्स वहीं पे आपको लिखने के लिए मना कर देंगे, ऐसी गलती नहीं करना, ब्लैक एंड ब्लू पेन ही जो है आपका यूज़ होगा। ठीक है ना, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर और भी सब्जेक्ट्स जो है मैं जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा मैं उतनी जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी, ताकि एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ आप लोग अपना एग्ज़ाम दो और एक अच्छे मार्क्स लेकर के आप लोग आ पाओ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जब अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं हमसे बोलते हैं कि मैम हमने आपकी वीडियोस से देख करके और प्लस आपके नोट्स जो है हम लोगों ने लिए थे PDF फॉर्मेट में, तो हमारे मार्क्स जो है हमने एग्ज़ाम दे करके आए काफ़ी अच्छे आए, तो सुनने में भी अच्छा लगता है कि नहीं हमारे यहाँ से आप लोग गाइडेंस लेकर के अपनी स्टडी कर रहे हो और एक अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहे हो। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ऐसी और भी वीडियोस जो है आप लोगों के लिए आती रहेगी। टाइम बहुत शॉर्ट है जिसकी वजह से मैं एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस नहीं लेकर के आ रही हूँ, नहीं तो काफ़ी सारे बच्चों के जो है नोट्स प्रोवाइड करने फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ की मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज नोट्स के साथ विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप लोग एक अच्छी प्रिपरेशन जो है कर पाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ आंसर नोट डाउन कर लेने से भी तो नहीं हो जाता है ना, तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन भी अच्छी खासी चाहिए होती है, तो मैं उसके लिए भी जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की भी जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स जो हैं मैं देती रहती हूँ, ताकि आप लोग हमेशा अपडेटेड रहो। अगर अपडेटेड रहते हो तो क्या है, आप लोगों को हर तरीके की इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाती है। टाइमली मिलने का मतलब है कि आप लोग एक अच्छी प्रिपरेशन उससे कर पाओगे। ठीक है,
और नोट्स तो मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे दे ही दे रही हूँ। जिन स्टूडेंट्स को फ़ीस पे करके लेने में दिक्कत है कि नहीं हम फीस पे करके नहीं लेना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो देख करके अपने नोट्स रेडी करो। और जिन स्टूडेंट्स को ऐसा है कि नहीं हम पीडीएफ लेकर के फ़ीस पे करने में हमें कोई दिक्कत नहीं, आप फीस लेकर ही हमें पीडीएफ दो, तो आप फीस पे करके पीडीएफ भी लेकर के अपनी स्टडी अच्छे तरीके से कर पाओगे। और जितनी गाइडेंस पॉसिबल हो पाएगी मैं आप लोगों को पूरी की पूरी गाइडेंस करूँगी ताकि आप लोग एक अच्छे स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया है पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर्स जो है आप लोग नोट डाउन करके रखो ताकि एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ आप लोग जब एग्ज़ाम दोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा कि नहीं हमने काफ़ी अच्छे तरीके की प्रिपरेशन की है तो हम एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जितने भी नोट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ सभी नोट्स बेस्ट ऑफ बेस्ट नोट्स हैं जिससे कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो चैनल ज़रूर से इसलिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी बेनिफिट हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखते हो तो हमारी जब भी न्यू वीडियोस आती हैं तो आपको क्या है नोटिफिकेशन मिल जाता है जिससे कि आप लोग हमेशा अपडेटेड रहते हो और एक अच्छी प्रिपरेशन जो है टाइमली करके अपने मार्क्स बहुत अच्छे लेकर के आ सकते हो आप लोग, ठीक है। और आप लोगों के चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने से क्या है हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हम जिन स्टूडेंट्स के लिए इतनी मेहनत से चीज़ों को बना करके लेकर के आ रहे हैं ताकि उनके मार्क्स अच्छे आए तो वो स्टूडेंट्स भी जो है हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या, ठीक है, यहाँ पे व्याख्या बोला गया है। कोई भी जैसे कि पोएम की लाइन उठा करके, कोई भी आपको पोएम की एक लाइन उठा करके दे दी, ठीक है ना। अब उसके ऊपर जो है आपको बोल दिया गया थोड़ा सा उसके एक्सप्लेनेशन में लिखना है, ठीक है, व्याख्या करो आप, तो वो चीज़ें आप लोग जो है अच्छे तरीके से कर पाओगे। यहाँ पे मैंने दे दिया है, ठीक है, अच्छे तरीके से फटाफट से इसे नोट डाउन करो आप लोग, नहीं तो वीडियो जो है काफ़ी लेंदी हो जाएगी तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आप लोग यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे अथवा, जहाँ पे भी अथवा लिखा है मतलब आपको टू ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, जो आपको आ रहा है आपको वही लिखना है। और दूसरी बात आप लोग ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो क्वेश्चंस आपको सबसे पहले आते हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग सबसे पहले जो है लिख लेना, क्योंकि उससे क्या है आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप लोगों से छूटेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पे आप लोगों को क्या करना है, जो क्वेश्चंस थोड़े बहुत आपको आते हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आप सेकंड राउंड पे करना, ठीक है। और जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते, आपको पढ़ के समझना है फिर लिखना है, तो वो क्वेश्चन आप थोड़ा लेट से मतलब लास्ट में लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि देखो आपको समझना है फिर पढ़ना है उसके बाद सोच सोच के फिर उसको बना करके लिखना है, ठीक है, तो उसमें क्या है आपका टाइम वेस्ट होगा। जो आता हुआ क्वेश्चन भी है तो वो आप क्या है छोड़ करके आ जाओगे, है ना। तो इसीलिए जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग पहले कवर अप कर लो, उसके बाद जो है सेकंड राउंड पे जो क्वेश्चन थोड़े बहुत आते हैं उस पे फोकस करना, देन उसके बाद आप लोग जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते उसके बाद आप लोग उसको लिखना, ठीक है। इससे क्या है आपके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर जो आपको पहले आते हैं वो अच्छे तरीके से आप लोग कर लोगे और एक अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाओगे। और ये जितने भी नोट्स मैं आपको दे रही हूँ ये नोट्स सभी बेस्ट हैं, एक अच्छे तरीके की प्रिपरेशन जो है आप लोग करके जाओगे तो किसी भी तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग छोड़ करके तो नहीं आओगे, इतना मैं कंफर्म आपको बोल सकती हूँ, ठीक है। ये जितने भी नोट्स हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसे प्रिपेयर करवाए गए हैं जिससे कि काफ़ी हद तक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे और जिससे कि आप लोग एक अच्छा स्कोर जो है कर पाओगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चाहे आप क्लास 10 हो चाहे आप क्लास 12 हो, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूँगी टाइमली जिससे कि आप लोग अच्छी प्रिपरेशन कर पाओ। यहाँ पे देखो पठित काव्यांश गदांश, ठीक है, यहाँ पे जिस तरीके से दिया गया हर एक तरीके का जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये नोट्स मैंने रेडी करवाए हैं ताकि आप लोग जो है अच्छे तरीके की प्रिपरेशन कर पाओ। पूरे के पूरे जो आपके न्यू सिलेबस हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये नोट्स को प्रिपेयर करवाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके के क्वेश्चन अगर आपके पास आएंगे पेपर में तो
तो आप लोग एक अच्छे तरीके की प्रिपरेशन जो है करके आ सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी आप लोग मिस नहीं करोगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे जो नोट्स आपको मिलते हैं दो ही लैंग्वेजेस पे आपको मिलते हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम में, दूसरा आपको जो है हिंदी मीडियम में मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमें गुजराती लैंग्वेज पे भी चाहिए इन अदर लैंग्वेजेस, तो हमारे पास सिर्फ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस पे ही नोट्स आपको अवेलेबल मिलते हैं। इन अदर सब्जेक्ट्स भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, जिन्हें फ़ीस पे करके PDF लेनी है वो भी आप लोग जिन भी सब्जेक्ट्स की आपको चाहिए वो सब्जेक्ट्स आपको जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को मिल जाता है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। और अनदर सब्जेक्ट्स जो है जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी अपलोड कर दूँगी, ताकि आप लोग एक एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स ले करके आ पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है लेखन कौशल, ठीक है, तो इसके बेस पे किस तरीके के मतलब ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, ठीक है ना, कि ग्रामेटिकल क्वेश्चन किस तरीके से जो है आपके आएंगे, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से जो है नोट डाउन कर लो, ताकि किसी भी तरीके के क्वेश्चन आने से आप लोग छोड़ के नहीं आओ, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छे तरीके से आप लोगों को जो है चीज़ें लिख करके आनी है, जितना आपसे हो पा रहा है, जितना आपको आता है तो उतना तो एटलीस्ट आप लोग लिख करके आना है ना, नहीं तो क्या है कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी लिख करके नहीं आओगे तो पूरा पेपर खाली जाएगा, तो आपके तो जो मार्क्स मिलने वाले होंगे वो भी नहीं मिलेंगे। इतना कोशिश ज़रूर करना जितना आपके पास से आ रहा है उतना बना करके भी आप लिख करके आओ, एटलीस्ट चलो काट के भी अगर आपको मार्क्स मिलते हैं, 1.5-2 मार्क्स भी अगर आपको मिलते हैं तो वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। एक एक मार्क्स भी आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, ठीक है, क्योंकि एक मार्क्स भी अगर कम होगा तो आप फेल हो जाओगे, और फेल होने का मतलब है नेक्स्ट टाइम आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रख के अच्छे तरीके से आप लोग जो है अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर लो, ताकि आपको सेकेंड टाइम एनरोल नहीं करना पड़े अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसलिए मैं जितनी भी पॉसिबल हो पाती है चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, कि ताकि आप लोग एक अच्छी प्रिपरेशन कर पाओ, और जितने हद तक आप लोगों को अनदर चैनल्स पे जो है गाइडेंस के फीस पहले बोलते हैं, आप फीस पे करो, देन आपको जो है किस तरीके से क्या करना है, क्या करोगे तो आपके लिए बेहतर है, काउंसलिंग की भी फीस आपसे ली जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को गाइडेंस की कोई भी फ़ीस आपकी यहाँ नहीं लगती, कि आप यहाँ से गाइडेंस के लिए कुछ अलग से आपको फ़ीस पे करनी होगी, ठीक है। गाइडेंस के लिए आपको कोई भी फ़ीस नहीं पे करनी होती है, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन करोगे या कुछ भी डाउट है आपका तो वो आप पूछ सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हो। अगर कॉन्टैक्ट नंबर जब आप कॉन्टैक्ट करते हो कॉल लग जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगता है किसी रीज़न की वजह से तो आप लोग व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके रख सकते हो। जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स करूँगी, जिससे कि आप लोग अपनी पढ़ाई में एक अच्छे गाइडेंस के साथ अपने एग्ज़ाम दे पाओगे और अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाओगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है ना, टेबल वगैरह बनाना है आपको, विदाउट टेबल बनाए चीज़ों को नहीं लिखना है, ठीक है। और हेडिंग जैसे कि यहाँ पे दी गई है, इसे जो है आप लोग थोड़ा ब्लैक पेन से लिखोगे हाईलाइट करके तो आप लोगों के लिए थोड़ा बेहतर होगा, ठीक है। टीचर्स थोड़ा इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चे ने हाईलाइट करके भी चीज़ें लिखी हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान टीचर्स का फिर ज़्यादा जाता है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और राइटिंग जो है ना आप लोग थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना, ठीक है, ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में लिखे कुछ भी समझ में टीचर को आया नहीं और मार्क्स काट दिए, ठीक है। और लेकिन इतनी भी अच्छी लिखने के लिए नहीं चले जाना कि आप लोग क्वेश्चन ही छोड़ करके आ जाओ, ठीक है, आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाएगा फिर आपसे, लेकिन इतना तो अच्छे से थोड़ा लिखना ताकि टीचर को समझ में आए। काफ़ी बार स्टूडेंट्स इस तरीके से लिखते हैं कि टीचर्स को कुछ नहीं समझ आने के कारण वो लोग फिर मार्क्स जो है काट देते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा एटलीस्ट अच्छे तरीके से आप लोग लिख करके आना। आई होप हमारी जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती हैं। अगर आपके लिए हमारी वीडियोस हेल्पफुल रहती हैं, आपको हेल्प मिलती है हमारी वीडियोस से,
तो चैनल ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी ज़रूर से किया करो और दूसरे बच्चों के साथ भी ज़रूर से शेयर किया करो, ताकि वो भी बच्चे हमारी वीडियो से हेल्प लेकर के अपनी स्टडी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाएँ और एक अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाएँ। क्योंकि इतने सारे जो वीडियोस आप लोगों के लिए आती हैं, काफ़ी मेहनत लगती है इसे बनाने में, तो चैनल ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि व्याकरण किस तरीके के आएंगे, ठीक है, व्याकरण के क्वेश्चंस किस तरीके से, मतलब ग्रामेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज वैसे भी बहुत इजी है, ठीक है, आप ज़्यादा इस पे फोकस नहीं भी करोगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसमें थोड़ा मतलब घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है, घबराओगे अगर आप तो फिर आप लोगों का एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं जाएगा ना। तो पहले से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बुक्स मिलती है लेकिन फिर भी वो प्रिपरेशन करते नहीं, एग्ज़ाम टाइम में जा कर के प्रिपरेशन आप लोग करते हो, ठीक है, कि एक दिन दो दिन पहले हम लोग पढ़ेंगे, आराम से एक अच्छे स्कोर लेकर के आ पाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ एक रात में आपसे तो हो नहीं जाएगी, है ना, तो पहले से ही इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखा करो, ताकि हम लोग एक अच्छे प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाए। और जो स्टडी को सीरियस लेकर के पढ़ते हैं वो तो बहुत ही अच्छा स्कोर करके राउंड वन में ही निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान रखो, ताकि पहले से ही आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो ताकि आप लोग किसी भी तरीके से परेशान ना हो और एक अच्छे स्कोर कर पाओ, ठीक है। और जितने के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स में आ जाएं और एक अच्छी प्रिपरेशन आप लोग कर पाओ, मैं उतने सारे क्वेश्चंस जो है आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड करती रहती हूँ, ताकि अपलोड करने के बाद आप लोग एक देख देख कर अच्छी प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स भी लेकर के आ सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अपठित काव्यांश गदांश दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोग इसे जो है नोट डाउन कर लो, उसका आंसर जो है इस तरीके से दिया गया है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये क्वेश्चंस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन जो दिया होगा, जैसे कि वन नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, वन दे करके आंसर जो है आपका वो लिखना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जैसे कि पोएम वगैरह दी जाती है, ठीक है, तो पोएट का जो नेम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ना आप लोग अच्छे से याद कर लिया करो, ठीक है। पोएट का नेम कभी कभी दे देते हैं आपको, ज़्यादातर क्वेश्चन पे ये आता ही है, पोएट का नेम क्या है, किसने लिखी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आप लोग जो है प्रिपेयर कर लेना, ठीक है ना, ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छोड़ के नहीं आओगे आप लोग, इतना तो कन्फर्म है, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो कि आपको बेस्ट नोट्स की पीडीएफ मिल जाए और आप लोग एक अच्छे स्कोर कर पाओ, तो कांटेक्ट कर सकते हो हमारे चैनल से, कांटेक्ट नंबर 8250129920, ये HKNS इन्फॉर्मेशन चैनल का नंबर है, यहाँ से आप कांटेक्ट करके नोट्स की पीडीएफ वगैरह फ़ीस को पे करके आप ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग ज़रूर से ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स मैं देती रहती हूँ टाइमली, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी।